गुड मॉर्निंग गाइस, आज सुबह मैं बहुत ही जल्दी उठ गई थी और बाहर अभी भी अंधेरा था, पर डेली व्लॉग के सफ़र में प्रवेश कर ही लिया है तो आज का ये व्लॉग बना दिया। फिलहाल मैं तांबे के लोटे में पानी पी रही हूँ जो कि मैं रोज़ ही पीती हूँ। अब मेरे पास करने को कुछ था नहीं तो मैंने सोचा चलो मॉर्निंग वॉक कर लाती हूँ। तो हम निकल पड़े मॉर्निंग वॉक के लिए और चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ आकर लगा कि सनराइज़ देखने को मिलेगा, व्लॉग अच्छा खासा बन जाएगा, पर नहीं, आज मौसम ने साथ नहीं दिया और बादल होने की वजह से हमें सनराइज़ देखने को नहीं मिला। तो मैं वापस आ जाती हूँ घर, मम्मी पापा के साथ चाय की चुस्की और गपशप के बाद मैं चली जाती हूँ नहाने, और नहाने के बाद मैं रोज़ बादाम खाती हूँ। और अब जल्दी नहा लिया है तो मम्मी के साथ मंदिर चली गई। वैसे मंदिर जाकर पॉजिटिव वाइब्स फील होती है। तैयार होने में मैंने कुछ ज़्यादा ही देर कर दी तो मम्मी नाराज़ होकर मंदिर चली गई, तो अब मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। हाय गाइस, सो टुडे आई एम फीलिंग वेरी पॉजिटिव वाइब्स। मंदिर जाकर आई और स्कूटी भी काफ़ी दिनों से सर्विसिंग में रखनी थी तो वो भी रख के आई हूँ, और वहाँ से मैं चल कर आई। अभी शाम को स्कूटी 4 बजे देने वाले हैं तो वापस चल के लेने भी जाना पड़ेगा। चलना चलना तो बहुत चलना हो गया यार, रात को पैर दुखने। घर आते टाइम एक स्ट्रॉबेरी वाला दिख गया तो हमने मस्त ताज़ा ताज़ा स्ट्रॉबेरी ली, और तब तक वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल गए थे तो मैंने सूखे कपड़े निकाले और गीले कपड़े सूखने के लिए डाले। और कुछ कपड़े मैं टेरेस पे सुखाने गई क्योंकि टेरेस पे अच्छी खासी धूप आती है, तो जीन्स वगैरह मैं टेरेस पर ही डालती हूँ। और फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया जो कि काफ़ी लेट हो गया था और भूख बहुत लगी थी तो कर लिया। स्ट्रॉबेरी खाने के बाद मैंने थोड़ी देर टीवी देखा और फिर दोपहर में व्लॉग शूट नहीं किया, सॉरी। वाओ, बारिश जैसा हो रखा है। सो गाइस, 4 बज चुके हैं और मैं मेरी स्कूटी लेने के लिए जा रही हूँ, पर लगता है बारिश होने वाली है। प्रे कर रही हूँ कि बारिश आ जाए तो अच्छा, भीगते हुए आएंगे, मज़ा आएगा। तो गैरेज पर तो मैं पहुंच गई पर मेरी स्कूटी टेस्ट ड्राइव के लिए गई है, नहीं अकेले नहीं गई है, कोई उसे लेकर ही गया है, पर मुझे वहां पर वेट करते हुए बैठना पड़ा। जैसे अभी बारिश आ जाए तो मज़ा आ जाए। भगवान जी से बारिश मांगी तो भगवान जी ने तूफान भेज दिया। यहां मेरी गाड़ी तो आ गई पर तूफान काफ़ी तेज़ हो गया था, सामने का कुछ दिख भी नहीं रहा था, इतनी ज़्यादा धूल उड़ रही थी, तो मुझे तूफान के शांत होने तक वहीं पर रुकना पड़ा। तो आधे घंटे तक मैं तूफान में ही फंसी रही। मम्मी का भी कॉल आ गया था कि बेटा तूफान में मत निकलना, जहाँ हो वहीं खड़े रहना, तो बस मैं वहीं खड़ी रह गई। और फिर हवा थोड़ी कम हुई तो मैं वहाँ से निकल आई। बहुत तेज तूफान आ रहा है, पूरी फंस गई थी, धीमे धीमे निकल आई, फाइनली मैं घर पर पहुँच गई हूँ और बादल गरज रहे हैं। अभी आ रहे हैं बारिश के छींटे, तूफान के बिना नहीं आ सकते थे क्या? मज़ा भी कर लिया बारिश का। ओह माय गॉड, लग गई बाबा, लग गई, सेफली घर पहुँच गई। गाइस, लाइट चली गई है
एंड इट्स रेनिंग. मिट्टी की खुशबू. ओ बाबा, क्या हरियाणा रिस्की है थोड़ा. बहुत तेज हवा चल रही है, कहीं हम उड़ ना जाए. पर आज तो होली भी है, तो मेरी तरफ से आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं. होलिका दहन की पूजा खत्म होते ही आग ने अपना रौंद्र रूप धारण कर लिया. चारों ओर चिंगारिया चिंगारिया और धुआं ही धुआं हो गया था. और फिर ऐसी तूफानी हवा के कारण लाइट्स भी चली गई. वैसे लाइट जाने की वजह से वहाँ पे नज़ारा काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहा था. है ना एकदम सुंदर नज़ारा चांद के साथ. सो गाइस, आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक रखते हैं. वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. एंड मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में. बाय बाय.